हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ी सामरिक रणनीतिक भूमिका का आधार तैयार कर रही भारतीय नौसेना ने सोमवार को स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक उतार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। विमान वाहक पोत पर स्वदेशी LCA की सफल लैंडिंग नौसेना की सामरिक क्षमता के लिहाज से मील का पत्थर से कम नहीं है। भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण के साथ ही समुद्र में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए हथियारों और मिसाइलों के अलावा अपने एयरविंग को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। INS विक्रांत पर LCA की सफल लैंडिंग इस लिहाज से आम है कि नौसेना को इन हल्के लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना होगा और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड वायुसेना के साथ ही नौसेना के लिए इनका निर्माण कर रही है। नौसेना ने LCA की सफल लैंडिंग पर एक संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा कि पायलटों द्वारा INS विक्रांत पर LCA की लैंडिंग करने के बाद भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नौसेना के अनुसार इस सफल लैंडिंग ने स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत को डिजाइन विकसित निर्माण और संचालित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। विक्रांत के जरिए भारत ने 40,000 टन श्रेणी से ऊपर के विमान वाहक पोत बनाने में सक्षम राष्ट्रों के एक विशिष्ट समूह में अपनी जगह बना ली है। नौसेना ने इसे अपने बेड़े में शामिल करते वक्त साफ कहा था कि विमान वाहक पोत विक्रांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होगा।